मैं घास उस था तो सने वाली हूँ मूंग का चीला, पीस उसके रख दिए हैं। अब बस मुझे बनाना है। नमक नहीं पड़ा है ना? डोसा बनाओ तो चिपक जाता, तो खराब जरूर होता है। चीला नहीं चिपकता। बोले हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और तो सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग हो चुका है और मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि कल थोड़ा सा बारिश हुआ था तो कुछ पौधे में घास उस था तो सब मैंने निकाला उकाला था। तो अभी मतलब उसी को देखने आई हूँ कि क्या चीज़ें हैं, सब सही है नहीं। कुछ नए पौधे भी लगाए थे उसके वजह से, तो देखते हैं। ठीक है, ये देखिए रेल लीली का क्या हाल हो गया, सब मुरझा गए। कल ये खिला था लेकिन अभी सब मुरझा गया ये। और ये है हमारा आंवला का पौधा, ये मैंने आंवला लगाया था ना जब, तो ये एकदम पतली सी, आपको बताऊँ मैं कैसी पतली सी डंडी थी, एकदम ऐसे पतली सी डंडी थी और जब मैंने इसको लगाया था। लेकिन फिर धीरे 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 ये आंवला मेरा इतना बड़ा हो गया है ना, इतना बड़ा। अभी हमारे गुड़हल में भी थोड़ा सा कली वली निकलने लगा है। मुझे जो सबसे अच्छा प्लांट लगता है ना, ये लगता है सबसे अच्छा प्लांट, ये लगता है सबसे बढ़िया। मैंने बहुत सारे पौधे नहीं लगा रखे हैं, मैंने कुछ ही पौधे लगाए हैं जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। मुझे फूल से ज़्यादा मुझे ग्रीनरी पसंद है, इसलिए मैं हरा भरा दिखना चाहिए इसलिए मैं ऐसे पौधे लगा रखी हूँ। ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं लाइए, मैंने बॉटल का ही बना लिया था पॉट। तो ये मेरे पास जेट प्लांट, सबसे ज़्यादा जेट प्लांट है मेरे पास, ये भी है। तो यही सब है। ये देखिए, ये एक अनार का पौधा है, मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं तो ये 7-8 साल हो गए। ये ना बढ़ता है ना घटता है, सूखेगा फिर हरा भरा हो जाएगा, फूल निकलेगा लेकिन फल नहीं निकलेगा, इसका ये चीज़ है। ठीक है, कल मैंने लगाया था करी पत्ता, ये क्या है इस पौधे का मुझे नाम नहीं मालूम है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे को बताइएगा कि इस पौधे का नाम क्या है। मैं इसका नाम मुझे पता नहीं है कि क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा इस पौधे का नाम क्या है। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं और चल के नाश्ता बनाते हैं। आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ मूंग का चीला, तो चल के नीचे देखते हैं कि उसकी तैयारी कर लें, फिर उसको बनाते हैं क्योंकि नाश्ता करने का टाइम हो गया है, तो चलते हैं नीचे। ठीक है, तो मैं आई नीचे बनाने, तो पवन जी ने तैयारी कर दी थी चिल्ला बनाने की, तो सब वो पीस उसके रख दिए हैं। अब बस मुझे बनाना है, तो मैं बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा काम मेरा आसान हो गया क्योंकि उन्होंने सारी तैयारी करके रख दी थी, तो अब चलते मैं बनाऊँगी इसको, क्योंकि फटाफट 10 बज गया अभी तक नाश्ता नहीं हुआ, तो नाश्ता बनाते हैं। ठीक है, नमक नहीं पड़ा है ना? तो अभी फटाफट हम लोग इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग के घर में सब लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे बनाते हो मूंग का चीला, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो मैंने इसमें डाला है प्याज, जीरा पाउडर, हींग ज़रूर डालते हैं हम खाने में, अगर कोई भी चीज़ तो हींग ज़रूर डालते हैं। हींग डाला है, थोड़े मसाले डाले हैं मैंने, फिर चाट मसाला डाला, नमक डाला। अब इसको बनाने की तैयारी, मैंने देखा है ना कि पहला वाला चिल्ला बनाओ या कुछ ही बनाओ, डोसा बनाओ तो चिपक जाता, तो खराब जरूर होता है, पहला जरूर खराब होता है। लेकिन अभी तक चिल्ला तो मेरा नहीं खराब हुआ है। उसका एक रीजन भी है ना, इसलिए अगर देखोगे तो इसका जो नॉनस्टिक वाला कोट है ना, वो छूट गया है। नहीं, ये अभी तक मेरा तो नहीं चिपका है। नहीं, मेरा तो पहला मैं अगर जो बनाऊंगा तो मेरा पहला जरूर थोड़ा सा खराब होता है। हमने कहा मूंग का चिल्ला बनाते हैं तो हेल्दी भी रहेगा।
आप ब्लॉग बनाओ और फ्लाइट ना जाए। हाँ? आप ब्लॉग बनाओ और फ्लाइट ना जाए। अगर मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो या तो डोरबेल बजेगा, फ्लाइट या तो फ्लाइट जाएगी, कुछ ना कुछ होता रहता है। सही है, हेल्दी फूड। हाँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूरी भी है। वो मुझे चाहिए था। देखा चिल्ला नहीं चिपकता। मेरा चिल्ला नहीं चिपकता, अच्छी बात है। डोसा मुझे नहीं आता बनाने। मैं सोची कि डोसा, इसमें डोसा बनेगा भी इसमें नहीं। मैं सोची कि अब डोसा भी बनाना सीख लूं। हाँ, डोसा बनाना सीखना थोड़ी ना है। नहीं, डोसा आता उसका तावा ले आओगे तुम खुद ही पहली बार। जब मेरी किटी में गिफ्ट का होगा ना कि गिफ्ट दिया था, मैंने बोल दूंगी कि मुझे डोसा तावा, डोसा तावा गिफ्ट चाहिए। ये भी अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि ऐसे ही हो पाता है। मॉप मैंने लिया, ले आओगे मसाला डोसा तावा ले आओगे ना तो तुमको वो प्लेन डोसा तो हम ही तुमको बना बना के खिलाएंगे। बैटर बना के तुम रख दो उसको तो जितना बासी हो जाए उतना ही अच्छा। हम तो डोसा प्लेन डोसा बना बना के खिला दिया। नहीं, अच्छा भी है क्योंकि हेल्दी भी रहेगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है खाने में। इधर तुम्हारा चिल्ला बन रहा है, इधर तुम्हारी चाय चल रही है। हो गया ना चिपका नहीं बढ़िया सा। चलो फटाफट तुम तैयार हो जाओ। जा रहा हूँ तैयार, नाश्ता हो जाए फिर खा के। नाश्ता कर रहे हैं। चाय नहीं ली अपने लिए? अच्छा, ये नाश्ता कर रहे हैं। मैं अभी जा रही हूँ अपना नाश्ता लाने, ठीक है? तो इनको जल्दी जल्दी में ये कर रहे हैं। अम्मा को दे दिया है नाश्ता, वो नाश्ता नीचे कर रही हैं। उन लोगों को नाश्ता दे दिया है और मेरा नाश्ता भी बाकी है। अब नाश्ता मैं अपना कर लूँगी, उसके बाद फिर बाकी के और कोई काम करेंगे, ठीक है? तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। बाय बाय।